सफलता हासिल की है। आरोपियों से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतीक्षा ढाबे के पीछे कुछ युवक ट्रक लूटने की योजना बना रहे हैं। मौके पर पुलिस ने दबिश देकर घेराबंदी कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से धारदार हथियार भी मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम लकी उर्फ लंगड़ा, समीर लाला, प्रतिमन अज्जू, विक्की, प्रदीप, गुरमीत सिंह, कार्तिक और सन्नी बताया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं, जिसमें जूनी इंदौर भवन को आजाद नगर क्षेत्रों में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इंदौर में 100 से भी अधिक ज्यादा वाहन चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। विजयनगर थाना पुलिस ने बढ़ती वाहन चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज लगा रखे हैं। इसी आधार पर एक वाहन चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पूरी गैंग ने मिलकर शहर में 100 से भी अधिक वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वाहन चोरी कर आसपास ग्रामीण इलाकों में शराब व गांजे की तस्करी करने वाले लोगों को बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। होली के दिन गुब्बारा मारने की बात को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद हुई चाकूबाजी में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्टूडेंट पर चाकू मारकर हमला कर दिया था। मामला इंदौर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है, जहां होली वाले दिन सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट पराठे वाली गली में चाय नाश्ता करने पहुंचे थे। उसी दौरान लोडिंग ऑटो में भी कुछ लोग सवार होकर आए, जिन्होंने स्टूडेंट्स को गुब्बारा मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लोडिंग में सवार होकर आए युवक ने स्टूडेंट को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की तत्परता से गुमा हुआ मोबाइल मिला। अर्जुन पिता शिवा पवार निवासी खापर खेड़ा आज पानसेमल से सेनवा आ रहे थे। इसी बीच बस से अचानक मोगरी खेड़ा के आसपास में अर्जुन का मोबाइल गिर गया, जो ढूंढने पर नहीं मिला। युवक द्वारा सेनवा ग्रामीण थाना आकर सूचना दी गई। प्रभारी ने तत्काल साइबर सेल को अलर्ट कर टीम गठित कर साइबर सेल की मदद से लोकेशन लेकर करीब 1 घंटे में मोगरी खेड़ा के आसपास तलाश कर गुम हुए मोबाइल को बरामद कर लिया और युवक को लौटाया। युवक ने पुलिस की पूरी पूरी प्रशंसा की और धन्यवाद आभार जताया। युवक का कहना है कि बहुत मेहनत करके मोबाइल लिया था, गन्ना काट कर बहुत मेहनत कर मोबाइल खरीदा था, घूमने से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल ढूंढ निकाला, जिससे वो काफी खुश है। बीजासन के समीप नर्सरी में आग लग गई। मां बड़ी बीजासन मंदिर के समीप भवरगढ़ केले के पीछे नर्सरी में अचानक आग लग गई। सूखे पत्ते और सूखे पेड़ होने की वजह से आग काफी तेजी से फैलती गई। हवा जैसे जैसे तेज होती गई, नर्सरी में आग चारों ओर फैलती रही। देखते ही देखते नर्सरी में 2 से 3 स्थानों पर आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। चौकीदार रामेश्वर ने ग्रामीणों की मदद से पलाश के पत्तों से आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग पर काबू पाना मुश्किल दिख रहा था। खबर लिखे जाने तक आग काफी तेजी से फैल रही थी तथा ग्रामीणों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस कारण से लगी थी।